अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो इंशाल्लाह यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बच्चों की एक प्रॉपर क्लासेस लेकर आ रही हूँ। बहुत पहले से स्टार्ट करना था लेकिन बस कुछ वजूहात की वजह से मैं नहीं कर पाई, लेकिन अब इंशाल्लाह इस चैनल पे थ्रू आउट आपको जस्ट बच्चों के हवाले से, बच्चे जो बेबी बॉय हैं, बेबी गर्ल्स हैं, छोटे 0 साइज से लेके मैं आपको 10, 11, 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी भी आपको प्रॉपर गाइडलाइन दूंगी। लेकिन ज्यादा छोटे बच्चों का मसला होता है, 10 साल तक के बच्चों का मसला होता है, उसकी हम एक प्रॉपर क्लासेस यहां पर देंगे और आप लोगों को जरूर बहुत फायदा होगा। आप शुरू की चंद वीडियोस भी अगर आप देख लेंगे तो आपको इस चीज से बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। और मेरी कोशिश है कि मैं इस तरह से आपको बताऊं कि आपको एक हर वीडियो देखते साथ ही हर चीज की समझ आ जाए। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आने वाली आप तक जरूर पहुंच सके। तो आज बच्चों के टॉपिक पे थोड़ा सा लेक्चर है, थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने नोट करने हैं और आपने अपनी एक नोटबुक बना लेनी है, उस पर स्टार्ट ले लेते हैं। हम क्लास नंबर 1 से स्टार्ट ले लेते हैं ताकि आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता चल सके। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि जैसे 0 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं, 0 मंथ्स से लेकर 3 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं, इनका साइज अमूमन सेम होता है और इनके साइजेस के कपड़े बहुत कम ऐसा होता है कि घरेलू खवातीन जो हैं वो स्टिच करती हैं, क्योंकि ये बड़े छोटे छोटे साइज होते हैं। जो स्टार्टेड तीरा इनका होता है ना, वो होता है तकरीबन 7 इंच से। स्टार्टेड जो तीरा हम लोग बनाते हैं, ये 0 से 3 मंथ का साइज मैं आपको बता रही हूँ। ये सिर्फ तीरे का थोड़ा सा मैं गाइड कर रही हूँ अभी आपको, लेकिन पूरा हम इंशाल्लाह आगे चल के गाइड करेंगे। असल चीज तीरा और चेस्ट होती है, वो एक्यूरेट हो तो बाकी साइज का मसला नहीं होता। अच्छा, बच्चे बड़े स्लोली स्लोली ग्रोथ करते हैं, जैसे कि उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते। लाइक अगर हम बड़े लोग हैं तो उनकी जो बॉडीज हैं वो, अगर किसी का तीरा 14 है, एकदम अगर वो हेल्दी हो जाते हैं तो तीरे पे बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है, वो बहुत जल्दी 15 हो जाएगा। लेकिन बच्चों का ऐसा मसला नहीं होता है। बच्चों के जैसे 0 से 3 मंथ्स के बच्चे, उसके बाद 4 से 6 मंथ, इसी तरह 8 से 12 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं, इनके अमूमन सेम चल रहे होते हैं। इसी तरह 2 ईयर से लेकर जो 3 ईयर्स के बच्चे होते हैं, 4 to 5 ईयर्स के बच्चे होते हैं, इनके साइजेस ऑलमोस्ट सेम चल रहे होते हैं। 10 ईयर तक जो बच्चों के साइजेस होते हैं वो ऑलमोस्ट 19-20 के फर्क पे बढ़ते रहते हैं। इनमें कुछ बेसिक्स चीजें होती हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह आगे चल के भी बताऊंगी, लेकिन आज भी थोड़ा सा मैं आपको गाइड करती हूँ कि इनके जो ड्रेसेस होते हैं इनमें हम बहुत ज्यादा फिटिंग को नहीं यूज करते हैं, इनमें हम बहुत ज्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर नहीं करते। जैसे हम लोग डीप कटिंग करते हैं आर्म होल की, बच्चों में ये नहीं होती। इनकी फ्रंट बैक कटिंग डीप होती है लेकिन एक जैसी होती है। इनके जो फिटिंग के पार्ट्स होते हैं इसको बहुत ज़्यादा कर्व नहीं किया जाता। इनके जो ये होते हैं चॉक्स होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं किया, सॉरी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं किया जाता। ये कुछ हिस्से हैं। इसके अलावा जो हमारी कटिंग तिरछी कटिंग होती है, फ्रंट बैक को बड़ा रखना, इसमें ये नहीं होता। बहुत कम चीजें होती हैं जो बच्चों पर होती हैं, लेकिन कुछ बच्चों के पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर आप वो लोग वो पॉइंट्स सीख जाते हैं तो आपके लिए बच्चों की जो ड्रेसेस है वो बनाना बहुत आसान होता है। कुछ चीजें बच्चों पे बेहद जरूरी होती हैं। बच्चों की जो नेक लाइन है वो कभी भी आपने डीप नहीं बनानी है, उसके लिए हमेशा आपको बटन टेक ही बनाना है। चाहे वो पीछे बने चाहे वो आगे की तरफ बने, बटन टेक जरूर बनता है, चाहे वो शोल्डर पे बने। अच्छा, बटन टेक जो होता है, यानी कि आप बच्चों के ड्रेसेस पे बटन, टसल या जिप, ये ऑप्शन जरूर रखा करें। इसका ये फायदा होता है कि जैसे बच्चों की जो बॉडी है उसमें सर बड़ा होता है, बॉडी छोटी होती है, और बड़ों की तरह बच्चे इजीली मूव नहीं कर सकते। हमें बच्चों को खुद से ड्रेसेस पहनाने होते हैं, हमें बच्चों के साथ खुद से मेहनत करनी होती है, तो वो उस तरह से बॉडी को मूव नहीं कर रहे होते हैं जिससे आप बड़े करते हैं। बटन टेक और जिप वाला जो सिस्टम है ये इसीलिए रखना चाहिए कि बच्चे रिलैक्स रहें, बच्चों को जरा फ्रीली रखना चाहिए ताकि वो कपड़े पहनते हुए डिस्टर्ब ना हो। अगर वो कपड़े पहनते हुए डिस्टर्ब हो जाएं, वो इतना छिड़ जाते हैं कि उनको कपड़े पहनाना मुश्किल हो जाते हैं। और 7 साल तक के बच्चों की जो होती है ना, वो सिर्फ हाइट बढ़ती है। 7 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट बढ़ती है, लेंथ में फर्क पड़ता है, जबकि चौड़ाई में इतना फर्क नहीं पड़ता। चौड़ाई में जो हमारा ये तीरा होता है या चेस्ट होती है वो अमूमन 0.5 से बढ़ती है, इतनी नहीं बढ़ती।
जबकि लेंथ में फर्क आ रहा होता है। जब बच्चा एकदम 7 साल तक एकदम जब हाइट पकड़ता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि अब इस पे कौन से साइजेस आएंगे, जबकि उसमें हमें लेंथ को बढ़ाने की ज्यादा जरूरत होती है और 1-1 इंच का मार्जिन रख के हमें ड्रेसेस को खुला करने की जरूरत होती है, पर बहुत खुला नहीं करने की जरूरत होती। अब कुछ समटाइम ऐसा होता है कि हम बच्चों के ड्रेसेस फिटिंग में बनाने की कोशिश करते हैं और वो इतने खराब बन जाते हैं, इतने मुश्किल ड्रेस बन जाते हैं कि उनको पहनाने मुश्किल हो जाते हैं। फिर आगे चल के मैं आपको बच्चों के हवाले से जो कपड़े डिजाइन, किस टाइप के आप डिजाइन बना सकते हैं, किस टाइप का आप फैब्रिक यूज कर सकते हैं जो कि कंफर्टेबल होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी ताकि आपका बच्चा रिलैक्स रहे। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो बच्चा आपका वो कपड़ा एटलीस्ट पहन सके। अमूमन ऐसा होता है कि 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं। सम टाइम उनके उनको कभी प्लेन कपड़ा भी ऐसा हो रहा होता है कि हमें यहाँ से चुभ रहा है मामा, हमें यहाँ से चुभ रहा है, हमें शलवार तंग कर रही है, हमें ट्राउजर तंग कर रहा है, हमें कमीज। ये सारी चीजें इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। बच्चों का जो मेजर इशू होता है कि बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी फट जाते हैं, खास तौर पे बच्चों के पजामे, ट्राउजर्स, शलवारें बहुत ही जल्दी फर्स्ट टाइम पहनने से फट जाती हैं। उनमें क्या आप बहुत बड़ी गलती करते हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे चल के इसी चैनल पे आपको बताऊंगी। इसलिए इस चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है फैमिली सर्कल में और अपने फ्रेंड्स, जिन जिनको नीड है। बच्चों की नीड बहुत ज्यादा होती है, बच्चों के ड्रेसेस की नीड बहुत ज्यादा होती है। जो आजकल महंगाई है उसकी वजह से जितना घर में इंसान कोशिश करे रफली कपड़े, रफ यूज के कपड़े बनाने की, उतना ही कम है। इसलिए आपने इस चैनल को जरूर शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी आसानी हो सके। तो आगे चल के मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे मेथड बताऊंगी और बहुत आसान तरीके बताऊंगी बच्चों के हवाले से, इसलिए आपने मेरी वीडियोस जरूर देखनी है। अभी दे मुझे इजाजत। ओके जी, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।